हेलो दोस्तों, कुक टेस्टी विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए राधे राधे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैं समर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। एक बार कर ली तो आप यही बार बार बनाकर बच्चों को पिलाएंगी। ये हमने स्ट्रॉबेरी ले ली है, ये लगभग 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी है। इन्हें अच्छे से हमने धुल लिया है 2-3 बार पानी में, और इसे हम इसमें कट कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, और इसका हम मिल्क शेक बनाएंगे। और इतना हेल्दी टेस्टी होता है, और इसे एक बार आप ज़रूर पिलाएं बच्चों के लिए। अभी तो आप तरह तरह की बच्चों को डिश पिला सकती हैं। ये हमने सभी स्ट्रॉबेरी को इसमें कट कर लेते हैं, और इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं। इससे ये खट्टी होती है, खट्टी मीठी, और इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया है, और इसमें हमने 2 चम्मच मलाई डाल दी है। इससे बहुत टेस्टी भी होती है। आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें। और हमने ठंडा दूध ले लिया है, वो इसमें हम थोड़ा सा 1 गिलास लगभग वो डाल दिया है, और इलायची का पाउडर डाल देते हैं। और ऐसे हम एक बार अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। ये हमारा मिल्क शेक बन के तैयार हो गया है, और ये देखिए कितनी अच्छे से, और ये देखिए पतला गाढ़ा जैसे है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टेस्टी है। इसमें हमने थोड़ा सा बर्फ डाल लिया है, और इसे हम सर्व कर लेते हैं। इतना टेस्टी है कि आप बार बार ज़रूर बनाएंगे, और बच्चों को तो अभी बहुत ही पसंद आएगा, और ये हेल्दी भी होता है। और इस पर हम थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाल देते हैं, और ये आइसक्रीम है वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, वो डाल दी है। अगर नहीं है आपके पास आइसक्रीम तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी मैंगो शेक बन के स्ट्रॉबेरी शेक बन के तैयार हो गया है। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो पर। थैंक यू सो मच।